Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसकी उम्र तो कम है लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। तो आखिर कैसे एक पैन से बैडमिंटन खेलने वाला बच्चा दुनिया के रैंक नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर बन गया, चलिए देखते हैं। ये कहानी आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करेगी, इसीलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वेल, कहानी की शुरुआत होती है हम चैंग को देखते हैं जो बीच पर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहा है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं जिनके डर से वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास चला जाता है क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि वो किसी भी तरह का खेल में इतना हिस्सा ले। वो उसे एक सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं जैसे कि IAS, जिसके लिए वो उसे हर समय बस डांटते ही रहते हैं। इसीलिए चैंग उनसे बहुत डरता है और उनके साथ घर आ जाता है जहाँ पर हम चैंग के पूरे परिवार को देखते हैं जिसमें उसकी माँ, उसके दो भाई और एक बहन है जिनके साथ वो काफ़ी अच्छे से रहता है। लेकिन यहाँ भी उसके डैड उसे बहुत सुनाते हैं कि तुम्हें आने वाले स्कूल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाओ। दरअसल आज मलेशिया और कोरिया का ओलंपिक बैडमिंटन मैच होने वाला है जिसके लिए सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। चैंग के मॉम डैड भी जाने वाले थे देखने के लिए क्योंकि उनके घर TV नहीं था गरीबी के कारण, इसीलिए उन्हें दूसरे के घर जाना पड़ता है। पर वो चैंग को पढ़ाई करने को कहते हैं और साथ नहीं ले जाते, पर उसका बहुत मन होता है कि वो भी उस मैच को देखे। इसीलिए वो उनके जाने के बाद साइकिल लेकर निकल जाता है और दीवार के उस पार झांक कर देखता है कि तभी उसका बड़ा भाई वहाँ जाता है जो उसे अपने कंधे पर बैठा कर उसे मैच दिखाता है। पर अफसोस कि मलेशिया वो मैच हार जाता है जिसे सभी बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से चैंग एक सपना देखता है वर्ल्ड चैम्पियन बनने का, जो कि वो अपने डैड से शेयर भी करता है कि वो मलेशिया के लिए खेलना चाहता है। पर पहले तो उसके डैड उसे यहाँ पर आने के लिए बहुत सुनाते हैं कि बैडमिंटन अमीरों का गेम है, उसे हम जैसे गरीब लोग नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसर बनो। लेकिन चैंग ने तो सपना देख लिया। कच्ची उम्र का प्यार और सपने दोनों बहुत पक्के होते हैं, पर क्या ये सच होगा, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट डे हम चैंग को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ बच्चों को बैडमिंटन खेलता हुआ देखकर उनके साथ खेलने जाता है। पर वो उसे कहकर मना कर देते हैं कि वो बहुत गरीब है और ये गेम गरीबों का नहीं है। इस छोटी सी उम्र में उसे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा था। चैंग को यहाँ ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आता, लेकिन हाँ उसे ये ज़रूर पता चल गया था कि वो अब इस दुनिया को सिर्फ एक चीज़ से हरा सकता है, वो है उसका हुनर। क्योंकि पैसे तो उसके पास है नहीं, लेकिन हुनर और लगन ज़रूर है। घर आते टाइम उसे रास्ते में एक अंकल रायन की शॉप मिलती है जो कि स्पोर्ट्स आइटम बेचा करते थे। अंदर एंटर करने पर चैंग को वो सब अपनी आंखों के सामने दिखता है जो कि वो सपना था, लेकिन वो उसे खरीद नहीं सकता, जो बात अंकल रायन भी समझ लेते हैं। वो उसे हर रोज़ इसी रास्ते से घर जाते हुए देखते हैं और ये भी समझ गए थे कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इन्हें खरीद सके, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी रैकेट्स बनाने में मदद करो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूंगा। पर चैंग कहता है कि आप पैसों की जगह मुझे हर 5 रैकेट के बदले एक शटल दे देना। उसकी ये बात सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करेगा। फिर क्या था, वो काम पर लग जाता और जितनी कोशिश होती है उतनी करता है। कुछ दिन के बाद जिंदगी की पहली खुद की शटल वो अपने हाथ में पकड़ता है, पर उसके पास रैकेट नहीं है तो वो एक पैन से खेलता है अपने दोस्त के साथ। लेकिन सामने वाला उसके तेज शॉट से घायल हो जाता है जिसके चलते उसे अकेले ही खुद खेलना पड़ता है, पर उसको इसी में मज़ा आ रहा था। लेकिन इन सब के चक्कर में उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं जिसके चलते वो उस दिन घर नहीं जाता और वहाँ से सीधा पास वाली अकेडमी में जाता है जिसके अंदर ही अंकल रे की शॉप थी। वो वहाँ पर कहते हैं कि उसके पास रैकेट नहीं है कम्पीट करने के लिए। तब अंकल रे उसे अपना रैकेट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारा। जिसके बाद चैंग बहुत मेहनत करता है लेकिन अभी भी उसे ज़िंदगी में पहले ऐसे कभी नहीं खेला, इसीलिए वो शुरू में तो सही खेल नहीं पाता। पर वो दूसरे प्लेयर को देखता है खेलते हुए और फिर दूसरे राउंड में वो पहले से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और उसको जीत भी जाता है। किसी ने सही कहा है कि अगर आपको किसी काम में दिलचस्पी है तो वही करिए क्योंकि उस काम को आप ज़्यादा जल्दी सीख सकते हैं। देन वो जाकर वो अंकल रैन को थैंक यू कहता है जो कि उसे वादे के मुताबिक ट्रॉफी और रैकेट दोनों देते हैं। उसे लेकर वो अपने घर जाता है पर वहाँ उसके डैड उसे रिजल्ट के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो उसके रैकेट को उसके सामने ही तोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर वो दोबारा से कभी खेलने गया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वहाँ कोच भी मौजूद थे जो अंकल रैन के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो उसके डैड से कहते हैं कि इसे अकेडमी आने दो, ये काफ़ी अच्छा खेलता है, इसके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो फिर भी मना कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं। देन वो उसकी मॉम से कहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर इसने खेलना शुरू कर दिया तो काफ़ी कुछ बदल सकता है, पर वो तो मजबूर थी। लेकिन सिर्फ एक माँ को ही पता होता है कि उसकी बेटी की तकदीर में क्या लिखा है।
इसीलिए रात होने पर जब वो सो जाता है तो सभी से छुप कर वो उसके पास उसकी जीती हुई ट्रॉफी लाकर रख देती है और सर पर हाथ फेर कर चली जाती है, शायद उन्हीं की दुआ उसके लिए काम आ जाए। अगले दिन जब वो अंकल रैन की शॉप पर जाता है तो वो उसे बताते हैं कि हम लोग एक चैरिटी कंपटीशन करवाने वाले जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खेलो, और वो मान जाता है और फिर उनके साथ चला जाता है। लेकिन असल में ये कोई चैरिटी नहीं बल्कि पैसों का मैच होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरह का जुआ था। कई लोग यहाँ आते थे, अपना पैसा लगाते थे एक प्लेयर पर, और अगर वो जीत गया तो उन्हें डबल मिलते थे। पर इस बारे में चैंग को कोई भी आइडिया नहीं था। पहले तो कुछ मैच वो हारता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो आखिरी के राउंड्स जीत जाता है, जिसके लिए अंकल रैन उसे एक फेक ट्रॉफी देते हैं। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वो हर रोज़ वहाँ जाने लगता है। इस चक्कर में उसे घर आने में बहुत देरी होती है और जो कुछ भी वो ट्रॉफीज जीता था उन्हें घर लाकर अपने रूम में रख देता है, जो देखते ही देखते बढ़ती जा रही थी। और एक दिन उसके डैड ये देख लेते हैं और फिर क्या था, वो उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इस बीच हमें पास में घटित एक घटना के बारे में बताया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि चैंग के डैड भी पहले बैडमिंटन खेला करते थे और जिस जगह आज उनका बेटा खेल रहा है वो सालों पहले वहीं आया करते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। लेकिन एक दिन उन्हें ज़्यादा पैसों का ऑफर आता है जिसके लिए वो खेलना सही नहीं समझते, क्योंकि अगर वो हार जाते तो कभी भी वो पैसे लौटा नहीं पाते। इसीलिए वो मना कर देते हैं और यही चीज़ वहाँ के बॉस को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपने लोगों को इनके पीछे लगवा देता है जो इनके सभी दोस्तों को मार देता है। लेकिन ये बच जाते हैं और तब से ही इन्होंने बैडमिंटन से नफरत हो जाती है। वो नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ वही उनके बेटे के साथ भी हो। तभी वहाँ पर उस जगह का बॉस आ जाता है जो चैंग के डैड मिस्टर पर को जानता था, क्योंकि उसने उनके पीछे गुंडे भिजवाए थे। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से ज़िंदा घर जाना है तो इस मैच को खेल कर दिखाओ। तभी उसकी वाइफ आ जाती है जो पूछती है कि अगर हम हार गए तो क्या। तो मिस्टर पर कहते हैं कि फिर वो जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। दिन दोनों बाप बेटे कोर्ट में खेलते हैं, कुछ ही राउंड में सामने वाले को वो हरा देते हैं। उस दिन मिस्टर पर को समझ आ जाता है कि उनका बेटा किस लेवल पर है, इसीलिए वो उसे कहते हैं कि मुझे हारना पसंद नहीं है और गोल्ड मेरा सबसे फेवरेट थिंग है, ये दोनों चीज़ें याद रखना, अब तुम जा सकते हो। अब वो इनडायरेक्टली वो उसे परमिशन दे देते हैं और साथ में ये भी बता देते हैं कि मलेशिया के लिए गोल्ड लेकर आना उसके नीचे उन्हें पसंद नहीं है। अब फिर उस दिन के बाद से चैंग कोच के पास चला जाता और ट्रेनिंग में लग जाता। वो पूरी अकेडमी में सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी वो पूरी मेहनत करता और सबसे अच्छा खेलता है। जिस बीच देखते ही देखते समय बीतने लगता है और एक दिन अंडर 18 सेलेक्शन कमेटी वाले आते हैं जिनके सामने चैंग खेलता है और वो जीत भी जाता है। लेकिन अफसोस कि उसका सेलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उसकी हाइट बहुत ही कम होती है, जो बात कोच उसे नहीं बताते बल्कि उसके मॉम से पहले बताते क्योंकि वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझा सकेंगी। पर यह बात सुनकर उसकी मॉम बहुत मायूस हो जाती हैं, पर उन्हें हिम्मत रखनी होगी तभी वो उसे बता सकेंगी। पर चैंग स्ट्रांग होता है, वो अपनी मॉम से कहता है कि कोई नहीं मॉम, मैं डैड का सपना पूरा करके रहूँगा, मेरे और ओलंपिक गोल्ड के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये बोलकर वो सोने के लिए चला जाता है। उसके जज्बे को देखकर उसकी मॉम को उस पर बहुत ही गर्व होता है। अब अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि घर में सबसे लेट उठने वाला चैंग आज सबसे पहले उठ गया है। वो प्रैक्टिस कर रहा है ताकि उसकी हाइट और तेज़ी से बढ़ सके, इसीलिए वो हर रोज़ वो चीज़ करता है जो उसे करनी चाहिए, खाना पीना, ट्रेनिंग करना। और ऐसे ही देखते देखते साल बीत गए थे। उसकी हाइट के साथ साथ अब उसकी उम्र भी बढ़ गई है। एक बार फिर से उसके सामने वही चीज़ आ जाती है, आज फिर से सेलेक्शन कमेटी वाले आए। लेकिन इस बारी भी चैंग की किस्मत उसका साथ नहीं देती। दरअसल मैच के दौरान उसके नीज पर चोट लग जाती है, लेकिन वो खेलना नहीं छोड़ता और लगा रहता है, जो बात सेलेक्टर को काफ़ी पसंद आती है। और वो मीटिंग में कहते हैं कि हमें एक मौका देकर देखना चाहिए इस लड़के को जो कि काफ़ी अच्छा खेलता है। अब सभी हाँ करते हैं। कुछ इस तरह से चैंग अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ता है, उसका मलेशिया बैडमिंटन अकेडमी में सेलेक्शन हो जाता है। वहाँ जाने से पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताता है। उसके डैड कहते हैं कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, इसीलिए जी जान लगा कर खेलना और अपने देश के साथ अपना भी नाम रोशन करना। अगले दिन चैंग अकेडमी पहुँचता है जहाँ पर नेशनल लेवल के प्लेयर भी आते हैं जिन्हें वो कभी टीवी पर देखा करता था, और आज वो उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करेगा। इसी को कामयाबी कहते हैं। खैर, वहाँ पर अब चैंग औरों के साथ ढलना होगा क्योंकि अभी तक वो अपने लेवल के बच्चों के साथ खेल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो भी वहाँ लड़के होते हैं वो उसे बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर होता है, ना सही से दौड़ पाता और ना ही सही से जिम कर पाता, जिस चक्कर में सभी उसको बुली करते हैं और हर टाइम परेशान करते रहते हैं।
इस दौरान एक दिन उसका अपने ग्रुप के लड़के जैंग के साथ मैच होता है, जो उसे काफ़ी परेशान करता है। पर वो मैच जैंग हार जाता और फिर क्या था, शर्त के मुताबिक उसे टॉयलेट साफ करना पड़ता है। इस मैच को कोच भी छुप कर देख रहे होते हैं। अब थोड़े टाइम बाद जैंग एकेडमी में जूलिया नाम की लड़की से मिलता है, जो उसे पसंद करती थी, लेकिन जैंग भी उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। धीरे धीरे बाकी बच्चे और इम्प्रूव होते जा रहे थे, पर जैंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। इस चक्कर में कोच उसे बुलाते हैं और एक बार फिर रिमाइंडर देते हैं कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है, किस मोहल्ले से आया हुआ है और क्या करना चाहता है। अगर वो अपने गोल से भटकेगा तो उसी के साथ सभी लोगों का दिल टूटेगा और साथ में सबसे ज़्यादा उसकी माँ का। तो चैंग को समझ आ जाता है कि उसे और मेहनत करनी होगी, तभी कामयाबी उसके पीछे झक मार कर आएगी। फिर क्या था, अगले दिन वो खूब मेहनत करता और जिम करता है, अच्छा खाता है पीता है। इसी बीच उसकी जूलिया से भी अच्छी बातचीत हो गई थी, जो उसे और मोटिवेट करती है। देन सभी को बताया जाता है कि उन्हें टूर्नामेंट के लिए ले जाया जा रहा है, जिसमें चैंग का भी नाम होता है, लेकिन आखिरी समय पर वो उसे हटा देते हैं और ले जाने से मना कर देते हैं। जब इस बारे में चैंग को पता चलता है तो वो उसे सॉरी कहता है और साथ ले जाने को कहता है, पर वो उसे कहते हैं कि अभी उसकी चोट ठीक नहीं हुई है, इसीलिए वो नहीं आ सकता। अब ये सुनकर चैंग का दिल टूट जाता है और वो वहीं बारिश में खड़े होकर खूब रोता है। दिन अगले दिन वो अपने घर लौट आता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसको सहारा देती हैं, और कुछ टाइम बाद वो अपने पहले कोच सर के पास जाता है, जो कि ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, पर चैंग उन्हें नहीं भूला। वो वहाँ देखता है कि एक बंदा उन्हें बेइज्जत कर रहा है, जो देखकर चैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि अगर तुम इतना ही अच्छा खेलते हो तो मेरे साथ एक गेम खेल कर दिखाओ, जिसके जवाब में वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बेटा जाकर पोगो देखो, ये सब बच्चे नहीं खेलते। पर चैंग अड़ा रहता है और फिर गेम शुरू होता है, जिसके पहले राउंड में ही वो उसके मुँह से निकलता है कि तुम कौन हो। तो चैंग कहता है कि कुछ दिन में तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि जो टीम टूर्नामेंट खेलने गई थी वो जीत गई है, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे। पर यहाँ कोच उसे जैंग के साथ प्रैक्टिस करने को कहते हैं, पर थोड़ी ही देर में उसके नीज में पेन होने लगता है, जिसे देखकर कोच समझ जाते हैं कि उसने लास्ट वीक आराम नहीं किया, इसीलिए वो उसे बहुत सुनाते हैं। और उस दिन उसकी जूलिया के साथ ब्रेकअप भी हो जाता है। इसी चक्कर में वो एकदम ही टूट जाता है, क्योंकि अब वो ना तो गेम में सही परफॉर्म कर पा रहा है और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, वो अकेला पड़ गया था। एक दिन उसके सभी दोस्त उसे कोच की वाइफ के पास लेकर जाते हैं, जो उसे बताती है कि कोच तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, क्योंकि तुम सेम हमारे बेटे की तरह लगते हो। वो भी उसे बैडमिंटन खिलाना चाहते थे, पर समय के साथ उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आने लगा कि उसने खुद की जान ले ली, इसीलिए अब कोच तुम्हें और प्रेशर नहीं देना चाहते, यही वजह है कि वो तुम्हें लंदन नहीं ले गए। चैंग को बात समझ आ जाती है, इसीलिए उस दिन के बाद से वो सारा समय कोच के साथ बिताने लगता है और फिर धीरे धीरे करके अपने गेम को इम्प्रूव करता है, जिसके बाद उसे फाइनली 2004 में थॉमस कप के लिए सेलेक्ट किया जाता है, जहाँ चैंग सेमीफाइनल तक जाता है। पर अफसोस कि वो मैच हार जाता है, ये उसकी पहली बड़ी हार थी जिसका उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन कोच उसे समझाते हैं कि हार हर एक गेम का हिस्सा है और जीत के रास्ते में हार तो आती ही है, उसी हार को पार करके तुम्हें जीत तक पहुंचना है, इसीलिए आने वाले गेम की तैयारी करो। देन वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता है और खूब मेहनत करता है। देखते ही देखते साल 2006 में मलेशियन कप आता है, वहाँ भी वो फाइनल तक जाता है पर अगेन हार जाता है, जिसके बाद काउंसिल कमेटी कहती है कि हमें अगले साल किसी और को मौका देना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल का प्रेशर शायद झेल नहीं पा रहा है। लेकिन कोच को यकीन था कि वो जीत जाएगा, बस एक और मौके की जरूरत है, उसे वो मान जाते हैं। लेकिन वह चैंग अब टूट गया था, पर ऐसे मौके पर हमें सही इंसान की जरूरत होती है, जो कि उसके लिए कोच थे। वो उसका पूरा साथ देते हैं और डटे रहते हैं, पर दोस्तों आने वाले 6 महीने के अंदर वही दूसरा टूर्नामेंट भी वो हार जाता है। इसके बाद उन दोनों को ही टीम से निकाल दिया जाता है और इस चीज़ से वो पूरी तरह से बिखर गया था, पर अभी भी उसके कोच उस पर यकीन था। वो कहते हैं कि तुम्हें याद करना होगा कि तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, अपने गांव जाओ और वहाँ के लोगों से मिलो और महसूस करो कि उन्हें कितनी उम्मीदें हैं तुमसे। चैंग अपने टाउन लौट जाता है, जहाँ वो सबसे पहले अपने पहले कोच से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर नहीं पा रहे हो, पहले अपने पुराने अवतार में आओ। देन वो अपने घर जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जैसे वो अभी इस हाल में है, वैसे ही वो आज से 30 साल पहले थे, पर उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन आज तुम्हारे पास सब लोग हैं, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। वो उसे अपनी ज़िंदगी की पहली जीती हुई ट्रॉफी दिखाते हैं, जो चैंग के अंदर अलग ही आग जला देती है।
उसे समझ आ गया था कि ये आखिरी मौका है, जिसके बाद वो खूब प्रैक्टिस करता और देखते ही देखते 2007 का समय आ गया था। मलेशिया में एक बहुत ही बड़ा कप होने वाला है, पर जो प्लेयर खेलने वाला है वो इंजर्ड हो गया, इसीलिए उसकी जगह काउंसिल कमेटी ली चांग वी का नाम उसे डाल देती है, यानी कि अब वो उसकी जगह खेलेगा। सभी को उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं। आज पूरा देश टीवी के सामने बैठा हुआ है। चांग के पास ये बिल्कुल सही मौका है खुद को साबित करने का। वो अपने डैड के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करे। वहाँ पर जूलिया भी मौजूद होती है, जो उसे चीयर अप करने आई थी। अब खेल शुरू होता है। सभी की निगाहें चांग पर थी, क्योंकि उसके सामने वही प्लेयर है जिसने उसे 2 बार सेमीफाइनल में हारा है। पर आज देखकर लग रहा है कि आज हारने की बारी किसी और की है। चांग पूरी जान लगा देता है और हर वो ट्रिक और मोटिवेशन को याद करता है। धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है और शुरुआत में तो चांग अच्छा खेलता है, लेकिन आगे जाकर वो हारने लगता है और वो गिर जाता है। उसे लगने लगा था कि पिछली बार की तरह वो फिर से ये मैच हार जाएगा। तब उसे अपने पहले कोच की एक बात याद आती है। चांग, जब तुम अपना कॉन्फिडेंट खोने लगो तो उन लोगों के बारे में सोचना जो तुम पर विश्वास करते हैं। चांग गर्दन घुमाता है और उसे सामने जूलिया दिखती है, जो उसे कहती है कि चांग तुम ये कर सकते हो। और फिर चांग एक बार फिर उठकर खड़ा होता है, क्योंकि जीता वही है जो गिरकर दोबारा खड़ा होता है। और इस बात ने चांग के अंदर अलग तरह का जोश भर दिया था। वो एक एक करके पॉइंट लेता रहता है और बूम, वो आखिरी शॉट ऐसा मारता है जिसे सामने वाले अपोनेंट को दिखाई नहीं देता, और इस तरह से उसने दिखा दिया कि वो चैंपियन है। वो उस मैच को जीत जाता है और कुछ इस तरह से उसने उस अपॉर्चुनिटी को अपनी कामयाबी में बदल दिया। आखिर में जूलिया उसके पास जाती है और उसे गले लग जाती है। उसे भरोसा था कि चांग जरूर जीतेगा, और इस तरह से वो जीत लाया मलेशिया के लिए कप। आज पूरा देश बहुत खुश है। उसके बाद वो 4 सालों तक दुनिया के रैंक नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बना रहा। साल 2008 से लेकर 2012 तक उसकी विनिंग स्ट्रीक, जो कि आज तक किसी ने भी नहीं तोड़ी। ये पूरी कहानी मलेशिया के लेजेंड ली चांग वी के ऊपर आधारित है, जिनकी पूरी जिंदगी आपके सामने है। इसीलिए कहते हैं कि डटे रहिए, नाव में छेद है तो क्या हुआ। कम से कम आपके पास नाव तो है, किसी के पास तो वो भी नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।